भाग्य कर्म लाभ का, महीना बड़ी सफलता का। जीवन जीने के दो मुख्य नियम है। पहला नियम है फूलों की तरह खिलना चाहिए, दूसरा नियम है सुगंध की तरह फैलना चाहिए। विजेता कभी कोई अलग चीज़ नहीं करते, तो वे हर चीज़ को कुछ अलग विशेष पद्धति से करते हैं। यह पूरे गुण तुला राशि में स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं। तुला राशि के जातक किसी भी समस्या को अत्यंत सरलता से अलग पद्धति से हल करते हैं। चाहे कितनी भी बिकट परिस्थिति क्यों न हो, उनके चेहरे पर आनंद नजर आता है। उस अनुसार वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर महीने के राशि फल को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, तो आइए पहले तुला राशि के लिए दिसंबर महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिसंबर महीने में तुला राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में धनु राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। आज दिसंबर को वह मकर राशि में प्रवेश करेगा, साथ ही 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में पुनश्च धनु राशि में उसका आगमन होगा। द्वितीय एवं सप्तमेश मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। 4 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा। वह वृश्चिक राशि आती है जो मंगल ग्रह की अपनी राशि है। तृतीय एवं षष्ठेश गुरु महाराज का पिछले महीने 20 तारीख को आपके पंचम स्थान में आगमन हुआ है। यह पूरा महीना वह वही विराजमान रहेंगे। चतुर्थेश एवं पंचमेश शनि महाराज आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग बना रहे हैं। दशमेश चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करते रहता है, उस अनुसार ही उसका भ्रमण शुरू रहेगा। लाभेश रवि महीने के पहले पखवाड़े में आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। उसके बाद वह आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टियों से दिसंबर महीना तुला जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी की यात्रा महीने की शुरुआत में तृतीय स्थान से जारी है। राशि स्वामी शुक्र जैसा ग्रह होने के कारण उसे तृतीय स्थान विशेष अच्छा लगता नहीं है, लेकिन 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर वह आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ उसके मित्र ग्रह की राशि आती है। फलस्वरूप यह पूरा महीना व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा। राशि स्वामी जब चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा तो वहाँ उपस्थित शनि महाराज के कारण केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। फलस्वरूप इस महीने में आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। संक्षेप में इस गोचर द्वारा एक अत्यंत बड़े एवं शुभ राजयोग का निर्माण होगा, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। परिवार पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीय मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में आपकी राशि में विराजमान है, जिस कारण आप अपने परिवार के संदर्भ में प्रचंड विचार करेंगे। 4 दिसंबर को
मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है और पारिवारिक दृष्टि से वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपको पारिवारिक सौख्य की प्राप्ति होगी, साथ ही आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्ति के योग यह बनते हैं। कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। परिवार में एकता बनी रहेगी, परिवार में कोई कार्यक्रम होने की संभावना है, साथ ही परिवार वृद्धि भी हो सकती है, अर्थात बालक बहू या दामाद का परिवार में आगमन हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विवाह होगा, क्योंकि विवाह के योग इस महीने में नहीं है, लेकिन विवाह निश्चित हो सकता है और उससे भी परिवार की वृद्धि होती है। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो दिसंबर महीना तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके परिश्रम के कारक गुरु महाराज पंचम स्थान में विराजमान है। वहाँ तृतीय के तृतीय स्थान में स्थिति निर्माण हुई है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी, जिस कारण आप इस अवधि में प्रचंड परिश्रम करोगे, उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से बंधुओं का सहयोग दिख रहा है, बंधुओं से आपका रिश्ता समृद्ध होगा, साथ ही बंधुओं से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं यह महीना आपके लिए इच्छा पूर्ति स्वप्न पूर्ति का रहेगा। खासकर 8 दिसंबर को आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा, तब वहाँ शुक्र शनि का गठबंधन होगा, जो आपके लिए वास्तु के दृष्टि से वाहन की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उनके स्वप्न देख रहे हैं, उन्होंने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, जिसका आप भरपूर आनंद लेंगे, क्योंकि आपकी राशि संकट काल में भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। और जब वास्तव में आनंद का वातावरण बनता है, तब आपका जीवन पूरा आनंद उठाते हैं। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो दिसंबर महीना तुला जातकों के लिए संघर्ष से भरा रहेगा, लेकिन उस संघर्ष से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात अधिक अध्ययन करने के बाद आपको पढ़ाई में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से जो जातक मैनेजमेंट टेक्निकल साहित्य के क्षेत्र में पढ़ाई जारी है, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जिनकी कला के क्षेत्र में पढ़ाई शुरू है, उनके लिए भी सफलता का स्तर अधिक रहेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही पंचमेश स्व राशि में विराजमान है, लेकिन वह पंचम का व्यय स्थान है। जिनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां शुरू है, उनके लिए भी यह समय अत्यंत उपयुक्त है। गुरु महाराज जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह आपके पंचम स्थान में विराजमान है, लेकिन वे भी स्वयं के व्यय स्थान में होने के कारण परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने का पूरा पहला सप्ताह तुला जातकों के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे। कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ता है, इसे तुला जातकों ने आने वाले 2-3 महीनों के लिए गंभीरता से ध्यान में लेना चाहिए, अर्थात
आपको इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस अवधि में व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसके बल पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक सफलता आप प्राप्त करोगे। गत कुछ महीनों से आप लगातार योजना बना रहे थे और उस अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। आपके उस कार्य को अब उचित दिशा प्राप्त होगी। लेकिन जो जातक नौकरी पेशा है उनके लिए इसके विपरीत स्थिति रहेगी। उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिस कारण आपको परिश्रम बढ़ाने होंगे। उसमें एक सामान्य यश प्राप्त हो सकता है। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका भाग्येश महीने की शुरुआत में द्वितीय स्थान में विराजमान है। 9 दिसंबर को वह आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। वहां से उसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, अर्थात महीने के दूसरे और तीसरे और चौथे सप्ताह में आपको भाग्य का उचित सहयोग प्राप्त होगा। संक्षेप में पहला सप्ताह छोड़ा जाए तो यह महीना आपके भाग्य को समृद्ध करेगा, उसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान पर चतुर्थ स्थान में विराजमान शनि महाराज की दृष्टि है, जो वहाँ पंच पुरुष महायोगों में से एक शशयोग का निर्माण कर रहे हैं। संक्षेप में राजयोग बन रहा है। ग्रह की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, जिस कारण इस महीने आप अत्यंत कर्म प्रधान कर्तव्य प्रधान रहेंगे। विशेष रूप से व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय में विभिन्न योजना बनाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। कर्म की दृष्टि से यह महीना आपको अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, उसका अधिकतम लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका लाभेश रवि ग्रह महीने के पहले पखवाड़े में द्वितीय स्थान में विराजमान है। लाभेश का धन स्थान में विराजमान होना बड़े आर्थिक लाभ को सूचित कर रहा है। महीने का दूसरे पखवाड़े में लाभेश परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। तृतीय स्थान रवि को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ से उसकी दृष्टि आपके भाग्य पर होगी, जिस कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी। संक्षेप में यह महीना तुला जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपका व्ययेश बुध ग्रह द्वितीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण महीने के पहले सप्ताह में पारिवारिक कारणों से आपका खर्च हो सकता है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में आप यात्रा करोगे, लेकिन चौथे सप्ताह में घर बैठकर आराम करने का विचार आप करोगे। साथ ही अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च सामने आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, जिस कारण आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुला जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह महीना परिश्रम कठिनाइयां एवं संघर्ष से भरा रहेगा, इसलिए उन्हें इस अवधि में बड़ी जोखिम लेने से बचना चाहिए। हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होते। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 3, 11 और 21 दिसंबर यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा करें। 9, 18 और 28 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े, इसीलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में
कई सीधे सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही दिसंबर में खर मास का आरंभ हो रहा है, उसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। तो खर मास के अनुसार तुला जातकों के लिए उपाय की दृष्टि से विचार करें तो बुजुर्ग महिलाओं की मदद और सेवा करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। इस उपाय के आपको अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है तुला जातकों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे वृषभ राशि के जानकारी के साथ। धन्यवाद, शुभम भवतु, जय ज्योतिष। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।